नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। एक्चुअली आज हमारे पास एक चार्जर आया है रिपेयरिंग के लिए। देख सकते हो ये Asus का चार्जर है और यहाँ पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज जो है, रेटिंग जो है 19 वोल्ट 3.42 एम्पियर। ठीक है, तो अब ये जो चार्जर है इसको अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर है, इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे ये कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम जो इसका पावर कोड होता है, ठीक है, तो ये जो पावर कोड है यहाँ पे पहले मुझे वोल्टेज टेस्ट करने होंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वोल्टेज टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 246-245 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो जो पावर कॉर्ड है अभी इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे अगर ये वोल्टेज सही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पावर कॉर्ड है, ये पावर कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो अभी है तो यहाँ पे इस एडेप्टर में है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो केबल है, तो यहाँ से आपको देखते जाना है कि कहीं पे ये शॉर्ट तो नहीं हुआ है, यहाँ मतलब कहीं पे ये कटा हुआ तो नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो केबल है मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा यहाँ पे शायद यहाँ पे ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ये कटा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ये शायद वोल्टेज यहाँ पे यहाँ तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी ये कटा हुआ दिख रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो ये जो केबल है, इस केबल को वापस से मतलब अभी चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। और इसको खोल के देखो, अभी यहाँ से भी मैं इसे कट लगाकर यहाँ से भी मैं इसको जॉइन कर सकता हूँ, लेकिन ये जो जॉइन है ये परमानेंट जॉइन नहीं होगा, ये टेम्प्ररी जॉइन होगा और ये वापस से 8 या 15 दिन में आपको वापस से प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। इसलिए आपको ये जो केबल है यहाँ से कट करके अंदर से आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर देखते हैं वो कैसे हमें करना है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे इसे खोलने के लिए यहाँ पे कोई स्क्रू यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली ये भी मुझे लगता है प्रेस फिटिंग है, तो यहाँ पे ये हमें इसे निकालने के लिए ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा IPA यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो अब ये जो है हमें इसे खोलना पड़ेगा और खोल के हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से कट करके इसे अंदर से हमें जॉइन करना पड़ेगा, और जॉइन करने से पहले लेकिन जो वोल्टेजेस है इसके 19 वोल्टेज वो पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी ये जो एडप्टर है मैंने वो खोल रखा है और अभी यहाँ से मैं वोल्टेज चेक करूँगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे अभी 19.2 वोल्ट हमें मिल रहा है, तो जो कि हमें जो डाउट था यहाँ से केबल कटा हुआ है, तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे केबल कटा हुआ होने के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो केबल है यहाँ से काट के सीधा यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो अभी जो केबल है, ठीक है, अभी यहाँ से काट के देखिए अब ये जो वाइट यहाँ पे दिख रहा है आपको जो केबल है, ये पॉजिटिव सप्लाई इसमें होता है और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है हमारा सोल्डरिंग यहाँ पे हो गया है।
ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली जो इसका जो ये जो पिन है यहाँ पे अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सप्लाई बंद करके रखा है, ठीक है। उसका केबल है मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। देख सकते हो आप अभी यहाँ पे ये शुरू हो गया है चार्जर, अभी ये काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हिटशॉट।